नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इन द प्रीवियस क्वेश्चन नाउ प्रीवियस क्वेश्चन क्या है उसको एक बार रेफर कर लेते हैं तो दिज आर प्रीवियस क्वेश्चन इससे पहले कि हम ये अगला सवाल पढ़ें प्रीवियस uh, क्वेश्चन में स्नेर था सॉलिड स्फेयर आपका एक स्फेयर आपका और एक डिस्क आपका ऑल हैविंग द सेम मास एंड रेडियस तीनों का मास सेम है रेडियस सेम है आर प्लेस एट द टॉप ऑफ एंक्लाइन एंड रिलीज फ्रिक्शन कोविशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द इक्लाइन आर द सेम एंड नॉट सफिशिएंट टू अलाउ प्योर रोलिंग तो तीन ऑब्जेक्ट आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखे हैं तीनों को रिलीज कर दिया है मास सेम रेडियस सेम ठीक है और आपका फ्रिक्शन सफिशेंट नहीं है कि प्योर रोलिंग करवा सके नाउ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट कनेक्टिंग एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन विल बी अचीव बाय तो हमें बताना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट कानेक्टिंग एनर्जी किसकी होगी ठीक है तो आपका जो तीनों जब नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पे एनर्जी किसकी सबसे कम होगी ये बात अपने को बतानी है नाउ इसको ऐसे देखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टिनारी अपना ये हो गया कि ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा और उसके ऊपर रखा आपका ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा हो गया ऐसे बना लेते हैं चलो ये ठीक है है ना ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो फ्रिक्शन आपका सफिशियंट नहीं है कि प्योर रोलिंग करवा सके तो आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो उस केस में ट्रांसलेशनल के साथ रोटेशनल भी हो रहा है लेकिन प्योर रोलिंग नहीं है ठीक है तो प्योर रोलिंग का केस ओके so, okay. Uh, तो ये आपका प्योर रोलिंग का केस नहीं है तो इस सिनेरियो में क्या होगा आपका एक एक्सलेशन तो इधर लगेगा दैट विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा और पीछे की डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू जी uh, कॉस थीटा नाउ इस सिनेरियो में एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो एम जी फोर्स है वो एम जी फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है तो एम जी फोर्स आपका uh, ये जो स्नैरियोज है एम जी फोर्स आपका टॉर्क नहीं दे सकता नॉर्मल फोर्स है वो आपका परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ये आ रहा होगा और नॉर्मल भी आपको क्योंकि आपका ये सारे गोल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी नॉर्मल आपका आगे पीछे शिफ्ट नहीं हो सकता जैसे हम टॉपलिंग केस में शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे तो एनी वे रोटेशनल हो रहा है तो यू कैन से टॉपलिंग हो रही है यहाँ पे तो इस सिनेरियो में नॉर्मल भी आपका टॉर्क नहीं दे सकता जो सिर्फ और सिर्फ आपका फोर्स यहाँ पर टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है वो है आपका फ्रिक्शन फोर्स और वो आपका ऐसे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा और उस टॉर्क की वजह से आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी ठीक है अब हमें बताना है कि कानीटिक एनर्जी सबसे कम किसकी होगी ना इसको ऐसे देखना अगर यहाँ पे अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो आपका मान लीजिए पहले एच हाइट पे ही ऑब्जेक्ट था इस एच हाइट पे ऑब्जेक्ट होने के बाद जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एनर्जी वो देखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी कानेटिक एनर्जी में प्लस एट द सेम टाइम देखोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तीनों पे सेम लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो एम जी म्यू एम जी कॉस् थीटा होगा फ्रिक्शन फोर्स तीनों पे सेम लगेगा तो उसका जो वर्क डन है सबका बराबर आएगा तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्योंकि अंदाजा देना है कि किसकी कनेक्टिंग एनर्जी सबसे कम होगी कैलकुलेट भी कर सकते हैं पर यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स तीनों पे बराबर लग रहा है और आपका एक्सोलेशन जो उसको ड्राइविंग एक्सोलेशन है जी साइन थीटा है आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो होगा एम जी एच ना इसी चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो वर्क कहें थोर अगर मैं यहाँ लिखूँ तो उसको हम लिखते हैं पहले मैं वर्क एनर्जी थ्राम लिख देता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सुडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हालांकि इस सिनेरियो में आपका वर्क डन बाय सुडो फोर्स जीरो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम आप कंसिडर करेंगे तो आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस एम जी होगा जो सबके लिए सेम है ना इस सिनेरियो में चेंज इन कनेटिव का फर्क आपका वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नहीं आएगा तो आपके जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कनेटिव एनर्जी का फर्क किस वजह से होगा वो वो देखते हैं ठीक है सब इसको ऐसे समझना क्या हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो कानेटिक एनर्जी है नाउ कानेटिक एनर्जी जो है आपकी उसको आप लिख सकते हैं कॉनेटिक एनर्जी विल बी वो एक आएगी आपकी ट्रांसलेशनल की वजह से एक आएगी आपकी रोटेशनल की वजह से वो आएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नाव आई ओमेगा स्क्वायर को अगर हम एंगुलर मोमेंटम की टर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ यह आ जाएगा आपका एल स्क्वायर

और यहाँ पे तीनों के लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेम है और तीनों का रेडियस सेम है तो यहाँ पे आपका टॉक लगने वाला सेम होएगा इस वजह से आपका तीनों ही ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम सेम होएगा ना यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कानेटिक एनर्जी आपकी जो आएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई आपके मोमेंट ऑफ़ एनर्जी आके तो जिसका मोमेंट ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा होएगा उसकी कानेटिक एनर्जी यहाँ पर सबसे कम होगी अब यहाँ पर देखते हैं तीनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं तो अगर हम बात करें सॉलिड स्वेयर की तो आपका सॉलिड स्वेयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखते हैं टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर और उसको अगर हम फ्रैक्शन uh, से डेसिमल में कन्वर्ट करें सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर एम आर स्क्वायर अगर आप बात करेंगे होलोस्फेयर की तो हॉलोस्फेयर बनेगा आपका uh, हॉलोस्फेयर जो है उसका आता है टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आपका जीरो uh, पॉइंट सिक्स सिक्स एम आर स्क्वायर और अगर आप डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क आता है आपका हाफ uh, एम आर स्क्वायर यानी कि uh, जीरो पॉइंट फाइव एम आर स्क्वायर राइट right, यहाँ भी एम आर स्क्वायर लिख लेते हैं नाउ इसमें जिसका सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ है तो उसकी एनर्जी, है, uh, एनर्जी सबसे कम होगी यानी कि अगर आप हॉलो देखेंगे तो होलोस्वेयर का मोमेंट ऑफ एनर्शिया सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे उसकी जो कानिक एनर्जी आएगी उसके अपने बॉडी के रोटेशनल इफेक्ट की वजह से वो आपकी कनेक्टिक एनर्जी सबसे कम होगी इसका मतलब है कि हॉलोस्फेयर ऑप्शन टू जो है दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम